हेलो फ्रेंड, कैसे हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ रियलमी का नार्जो 65G और दूसरी तरफ मोटो G54 5G। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को लेने का मन बना रहे हो, कन्फ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट स्मार्टफोन है, जानने के लिए आज किस कंपेरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अपने स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे तो रियलमी के नार्जो 65G का प्राइस 3000 रुपए ज्यादा है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर रियल लाइफ के गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो मोटो G54 5G से काफी पीछे रह जाता है। क्योंकि एक तरफ रियलमी के नार्जो 65G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6020 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7020 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि एक तरफ रियलमी के नार्जो 65G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 3,91,000 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 3,87,000 निकल के आता है। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के अंततः स्कोर में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर रियल लाइफ के गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो इन दोनों स्मार्टफोन में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ रियलमी के नार्जो 65G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो सिर्फ 2300 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3500 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, मोटो G54 5G का प्राइस 3000 रुपए कम है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो रियलमी के नार्जो 65G से काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए, जिस तरह गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में काफी ज्यादा बेटर हो जाता है मोटो का G54 5G, उसी तरह डिस्प्ले की क्वालिटी के मामले में काफी ज्यादा बेटर हो जाता है रियलमी के नार्जो 65G। क्योंकि रियलमी के नार्जो 65G में 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में दोनों स्मार्टफोन के पास एडवांटेज देखने को मिल जाता है। क्योंकि एक तरफ रियलमी के नार्जो 65G में ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 50MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8MP का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के Narzo 65G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 64MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.79 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2MP का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल की आती वो तो आप लोगों को Realme के Narzo 65G में काफी ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। सेल्फी दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो रियलमी के नार्जो 65G में भी 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.45 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में भी 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर ऑडियो फीचर की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद मोटो G54 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है, जबकि रियलमी के नार्जो 65G में डॉल्बी एटमॉस देखने को नहीं मिलता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो एक तरफ रियलमी के नार्जो 65G में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 33W के फास्ट चार्जिंग के साथ, USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 30W के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ, USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर बैटरी बैकअप की बात करी जाए तो उसका तो रिजल्ट बिल्कुल ही अपोजिट देखने को मिल जाता है। क्योंकि एक तरफ मोटो G54 5G में आप लोगों को बिग बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर इसका जो बैटरी बैकअप निकल के आता है वो सिर्फ 14 आवर्स का ही देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के नार्जो 65G में सिर्फ 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, पर उसका जो बैटरी बैकअप निकल के आता है वो आप लोगों को 16 आवर्स का देखने को मिल जाता है, जो कि बैटरी बैकअप के मामले में तो रियलमी का नार्जो
65G काफी बेटर हो जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए Realme के Narzo 65G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ Moto G54 5G में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। Moto G54 5G का प्राइस 3000 पीस कम है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो Realme के Narzo 65G से काफी बेटर हो जाता है। तो अगर आप लोग भी कम से कम प्राइस में एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, OIS वाला कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, डॉल्बी एटमॉस वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आप लोगों को Moto G54 5G की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग इस स्मार्टफोन से गेमिंग एवरेज करते हो, बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रही, या फिर ज्यादा बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, तो आप लोगों को Realme के Narzo 65G की तरफ जाना चाहिए।